गुरुवार की सुबह पूर्वी सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में करंट लगने से एक युवक रविकांत प्रसाद की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक युवक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता था। अंत्येष्टि स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रविकांत प्रसाद की मौत एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर आर्थिक सहयोग किया। मुखिया प्रतिनिधि चंद्रभूषण पांडे ने बताया कि मृतक एक राजमिस्त्री था। काम के दौरान घर में बिजली का करंट लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पिता नागेंद्र शाह और माता मंजू देवी का इकलौता पुत्र था। उसकी दो बिटिया शिवानी व रिधिमा तथा दो बेटे आशीष व अभिजीत और माता मंजू देवी और पत्नी मीरा देवी का रो रोकर बुरा हाल है। बार बार दोनों बेहोश हो जाती है। मौके पर विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने अंत्येष्टि समेत पगड़ी रस्म के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मृतक के पिता नागेंद्र शाह को की। नम आंखों के बीच अंत्येष्टि संपन्न हुई। कैसे क्या हुआ? अरे रविकांत जी जो है ना, इनका छत का घर बन रहा था, इसी में सुबह अपने घर में ही काम कर रहे थे, तब तक तार कहीं नंगा पड़ा हुआ था, इसकी उंगली में सट गया, तुरंत के तुरंत इनकी मौत हो गई। बिजली करंट? हाँ, बिजली करंट लगने से इनकी मौत हो गई। ये अच्छे समाज सेवी थे, समाज में बड़ा इनका नाम था। आज पूरे पंचायत में उदासी का माहौल कटा हुआ है, पूरे पंचायत भर के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और शोक मनाया जा रहा है इस उदासी के कारण। परिचय आपका? परिचय अपना बताओ। मैं चंद्रभूषण पांडे मुखिया प्रतिनिधि हूँ पूर्वी सरैया ग्राम पंचायत का। आप ही के क्षेत्र का मामला? जी, हमारे ही क्षेत्र का है, हमारे घर के बगल का मामला है। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती है। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।